हाँ दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल रास्तान एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन जो सरलीकरण का सॉरी संख्यापत्ति नंबर सिस्टम के बारे में अपन ने चर्चा की थी इतनी क्लासों में, आज उसी का एक पार्ट है, अलग पार्ट जो सामान्यतः काम में आया करता है या सामान्य काम में लिया जाता है, जिसे कहा जाता है सरलीकरण। ठीक है, क्या कहा जाता है? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। कुछ टॉपिक हैं जो नंबर सिस्टम संख्या पत्ती से रिलेटेड हैं, कुछ प्रश्न बनते हैं फॉर्मूले के आधार पर, प्रश्न बनते हैं तो उनके आधार पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। ये जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का पार्ट है वो सारी भर्तियों में काम आता है। किसी भी स्तर की आप भर्तियों में परीक्षा दोगे, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक है, तो इन कुछ ये टॉपिक है। जैसे नंबर सिस्टम था अपने, ये सरलीकरण हो गया। सिंप्लीफिकेशन मतलब संख्या को हल करना। ठीक है, तो इन संख्याओं के बारे में आज अपन टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एकांतर क्रम में इस प्रकार अपन चलते जाएंगे। ये छोटे छोटे पार्ट है नंबर सिस्टम के, सारे अपन एक साथ क्लियर करेंगे। उसके बाद में ही अपने दूसरे प्रकार के प्रश्नों को या फिर मैटर को या फिर टॉपिक को अपन चालू करेंगे। ठीक है जी, चलो जी देखिएगा। आज अपन बात कर रहे हैं सरलीकरण की, सिंप्लीफिकेशन की। सर सिंप्लीफिकेशन में देखिएगा सामान्यतः एक नियम पढ़ा जाता है, वी बोर्ड मास नियम। उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। आज सबसे पहले अपन फॉर्मूले के आधार पर चर्चा करेंगे कि सर कौन कौन से फॉर्मूले के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और कैसे उन प्रकार के प्रश्नों को किया जाता है। ठीक है, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, उम्मीद है आपको भी वो फॉर्मूले याद है। देखिएगा उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो जी कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले मैं सामान्यतः बात करना चाहूं तो सर जनरली एक फॉर्मूला होता है जिसे कहा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? नंबर सिस्टम का ही पार्ट है वैसे एक। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखिएगा इन फॉर्मूले के सीक्वेंस यही होने चाहिए। इस प्रकार जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सर अपने पास। अब दूसरी चीज ये भी याद रखना है, ये फॉर्मूले मैं बहुत सी जगह काम में लूंगा। एक तो जब फैक्टराइजेशन मेथड करूंगा, गुणनखंड करूंगा, उस समय इन फॉर्मूलों के बारे में बात करूंगा। और जब मैं एक आपका एल्जेब्रा का टॉपिक चालू करूंगा, स्पेशल एडवांस मैथ के आधार पर मैं यदि टॉपिकों को चालू करूंगा, ऐसी स्थिति में यदि मैं आपसे पूछूंगा तो उस स्थिति में भी याद रखना मैं इन फॉर्मूलों के बार बार प्रयोग करूंगा। मेथड बनेंगे, किस मेथड के अपन प्रश्न करेंगे तो इनको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये लगभग सभी टॉक पिकों में यूज में लिए जाते हैं, तत्काल में लिए जाते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैं इस क्रम में इसलिए लिख रहा हूं, ये क्रम होता है इन फॉर्मूलों का कि सर सबसे पहले ए स्क्वायर आता है, फिर प्लस 2ab आता है, प्लस का क्या होता है? बी स्क्वायर। सामान्यतः इसको अपन लिख तो कुछ भी सकते हैं, सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। लेकिन जो सिक्वेंस होता है वो सिक्वेंस कुछ इस प्रकार से होता है, बड़ी क्लासों में पढ़ा जाता है जब 11th 12th जिन कैंडिडेट के मैथ में रही होगी, या फिर आगे एक वैज्ञानिक हुआ करते थे पास्कल नाम के, उन्होंने एक अपना स्केल दिया था, नियम दिया था, उन्हीं के आधार पर इन संख्यात्मक मानों के गुणन में ये जो कांस्टेंट संख्या लिखी गई है उनका वर्णन दिया गया था, और उसी के आधार पर इन फॉर्मूलों की उत्पत्ति हुई थी। और इस प्रकार से इनके गुणांक होते हैं वो हमेशा इसी के आधार पर रखे जाते हैं। तो देखना फॉर्मूला क्या था सर आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर आपका? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र जी पुनिया प्लीज 1 मिनट। हाँ जी बिल्कुल। सीताराम जी दीवानी बिल्कुल जी, गुड इवनिंग। तुषार जी शर्मा हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र कुमार जी सर आज साइंस की बिल्कुल जी, देखो हो पाई थी लेकिन किसी कारणवश वो आप तक यहाँ पहुंची नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जल्द ही वो वीडियो पहुंचा दिया जाएगा। चलो जी आगे ध्यान दीजिएगा। आगे अपन बात करते हैं सर दो नंबर फॉर्मूले पर, यदि माइनस का चिन्ह होता है तो कैसे किया जाता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या किया जाता है सर? ए माइनस बी स्क्वायर। यदि आपके पास सर धनात्मक मान के फॉर्मूले याद हैं तो ऋणात्मक मानों के फॉर्मूले अपन बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि धनात्मक फॉर्मूलों में एकांतर क्रम में चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, ऋणात्मक फॉर्मूले बन जाते हैं। बिल्कुल जी दिलीप जी जांगीड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिएगा कैसे सर, पहला पद धनात्मक तो धनात्मक, दूसरा पद को क्या रख दो? ऋणात्मक। तीसरे पद को क्या रख दो? धनात्मक। तो ये क्या बन गया आपका? ए माइनस बी का होल स्क्वायर रखा गया। तो इसलिए इनका क्रम इसी के आधार पर होगा, धनात्मक याद हो गए तो ऋणात्मक याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसलिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, आगे मैं बात करने जा रहा हूं तीन नंबर की, तो जो कैंडिडेट लाइव बैठे हैं वो प्लीज इनको लिखते रहिएगा, क्योंकि आगे मैं इन टॉपिकों के संबंधित, इन फॉर्मूले से संबंधित केवल क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूंगा, मैं बार बार फॉर्मूले के प्रयोग नहीं करूंगा। ठीक है, इसलिए आपको ये याद होने बहुत जरूरी है। आगे मैं बात करना चाहूं कि सर ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ध्यान रखिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है जनरली वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है बी क्यूब। सामान्यतः जनरली फॉर्मूला तो यही बनाया जाता है, इसके अकॉर्डिंग एक रूप और बना दिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है सर, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का तीन गुणा ए बी और गुणा में क्या होता है सर ए प्लस बी। यह फॉर्मूला किसका होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। चलो जी ठीक है, आगे देखिए सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आगे देखिएगा सर चार नंबर, देखना क्या दे रखा है। चार नंबर कह रहा है कि सर ऋणात्मक में फॉर्मूला बन जाता है, ऋणात्मक में a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या कहता है देखिएगा कि सर वही बात, पहला पद धनात्मक रख दो सर, दूसरा पद ऋणात्मक रख दो सर, तीसरा पद क्या रख दो धनात्मक रख दो, और चौथा पद क्या रख दो ऋणात्मक रख दो। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। इसीलिए इसका एक दूसरा रूप भी लिख दिया जाता है जिसको कहा जाता है क्या, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का तीन गुणा ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसलिए a माइनस बी का होल क्यूब होता है वह क्या होता है, a क्यूब माइनस का तीन ए स्क्वायर बी प्लस का तीन ए बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यूब का। ठीक है, आगे देखिएगा सर a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, तो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर ये तो क्यूब के फॉर्मूले थे। ठीक है, ये जनरली इनसे संबंधित प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इनसे संबंधित याद रखना अपनी आवश्यकता है। इनके आगे बढ़ता हूं सर, देखिएगा और कौन कौन से फॉर्मूले बढ़ते हैं, ज्यादा ये फॉर्मूले नहीं है, आठ नौ फॉर्मूले हैं, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो जी आगे देखिएगा। बिल्कुल जी, देखिएगा पांच नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। पांच नंबर पॉइंट में कहा गया कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। जनरली ये पढ़े जाते हैं, कई बार अपन फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन का अर्थात फलनों का, उस स्थिति में भी मैं इन फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वह जनरली आपका पढ़ा हुआ होता है, उसी के आधार पर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके सर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, आगे देखिए, इंद्रा सिंह जी कह रहे हैं कि सर स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है। ठीक है जी, पूरी नहीं आ रही स्क्रीन, चलो जी कोशिश करता हूं आप तक पूरी पहुंचे। आगे देखिएगा, तो प्रश्न में क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है सर किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इंदिरा जी देखिएगा स्क्रीन है, यहां से पूरी आ रही है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं आ रही है तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं थोड़े और नजदीक लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा, आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दिया, छह नंबर का फॉर्मूला लिखता हूं सर। दो फॉर्मूले होते हैं, इनसे संबंधित फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं, एक तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और एक होता है सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इनसे संबंधित ये फॉर्मूले कम पूछे जाते हैं, इनके आधार पर सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह किस प्रकार से प्रश्नों को किया जाता है। इंदिरा सिंह जी बिल्कुल आ चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है चलो जी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो क्या कह रहे हैं सुप्रिया देवी जी, सर चार नंबर, चार नंबर क्या जी, ये है देखिएगा ए माइनस बी का होल क्यूब है, और यहां पर अलग है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, और ये किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। दोनों फॉर्मूले में अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहां से प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न ज्यादा बनते हैं जो मैं ये तीन चार फॉर्मूले लिख रहा हूं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूले के आधार पर कहा जाता है कि सर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वह बराबर होता है ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, और ए माइनस बी या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सामान्यतः तीन फॉर्मूले तो ये होते हैं जो मैंने सात फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है जी, बिल्कुल जी, दीपक कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ठीक है, चलो जी। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी रख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी रख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी रख दिया। अब देखिएगा कई बार क्या होता है, प्रश्न इस प्रकार से फॉर्मूले के आधार पर बनता है, तो मैं दो तीन फॉर्मूलों की और चर्चा करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपने यह 7 प्रकार के फॉर्मूले लिख लिए होंगे, क्योंकि एक दो फॉर्मूले और हैं, उनके बारे में विशेष चर्चा करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं दीपक कुमार जी के सर, 4 नंबर का जो सेकंड है उसमें क्या लिख रखा है, सेन पूरा हो के होगा क्या? देखिएगा क्या कह रहा है सर, यही है ए क्यूब 4 नंबर का जो फॉर्मूला उसका सेकंड पार्ट क्या है। अच्छा पूरा नहीं दिख रहा है, चलो जी कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा सा आगे हटाकर लिख देता हूं। देखिएगा इधर लिख रहा हूं सेकंड पार्ट को, मैं यहां बराबर के दूसरी तरफ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको सेकंड पार्ट को कहा गया सर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और गुणा में ए माइनस बी, ये सर 4 नंबर फॉर्मूले का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। चलो जी सर जी, ये 6 और 7 नीचे नहीं दिख रहे हैं, 6 और 7 भी नहीं दिख रहे हैं क्या? चलो मैं इधर लिख देता हूं, देखिएगा 6 और 7 के बारे में मैं वापस लिख देता हूं। तो 6 और 7 के फॉर्मूले के आधार पर यदि मैं बात करना चाहूं तो देखना, ये आपके 6 नंबर का जो फॉर्मूला है, 6 नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, और आपके 6 नंबर का फॉर्मूला है वह बराबर है सर आपका ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है दीपक कुमार जी, दिख गया होगा, ठीक है एक बार कमेंट में लिखकर बताइएगा आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, जो मैंने इस बार फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, और मैं 7वां फॉर्मूला लिख देता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा कि सर ए माइनस का बी और गुणा में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का क्या होगा बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपको 6 नंबर और 7 नंबर फॉर्मूले दिख गए होंगे उम्मीद करता हूं। तो दो फॉर्मूले लिखवाए थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। दीपक कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जी देख रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी, इंदिराज सिंह जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अपने 7 फॉर्मूलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा अपन क्या है, कुछ दो तीन फॉर्मूले और बता रहा हूं जिनके आधार पर प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, कई बड़ी भर्तियों में भी प्रश्न के बारे में पूछा गया है, वह छोटी भर्तियों के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह आर्मी से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वह SSC से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वह RS से संबंधित क्यों ना हो, सर उसी प्रकार से दिखाई देता है। बिल्कुल जी, सुप्रिया देवी जी दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, दीपक कुमार जी सर अब दिख जाएगा, जूम कम किया है अब, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, हाँ जी, अब आगे देखिएगा मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बात करता हूं, तो देखिएगा मैं एक दो फॉर्मूले और लिखता हूँ, वह फॉर्मूला होता क्या है, और आपने कई बार क्या होता है फॉर्मूले को जानकारी नहीं रहती है, उस प्रकार के फॉर्मूले की अपन जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, आपको केवल बुकों में प्रश्न मिलेगा और अपन उस प्रश्न को क्या होता है रट लेते हैं, ठीक है ना। तो वो जनरली फॉर्मूला होता क्या है और क्या प्रश्न बनता है जिनको अपन रटते हैं। मैं पहला एक फॉर्मूला लिख रहा हूं सर, देखिएगा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। देखिएगा जनरली आप प्रश्न कौन से रटते हो, पहले मैं प्रश्नों के बारे में चर्चा करता हूं, कई बार लिखा हुआ होता है सर ए प्लस बी प्लस सी यदि 0 के बराबर हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है, कंडीशन बन जाती है प्रश्न में क्या, सर ए प्लस बी प्लस सी यदि 0 के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, रटा हुआ होता है 3abc के बराबर। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल प्रश्न बन जाता है, पलट दिया जाता है, ऐसी स्थिति में अपने को फॉर्मूले की आवश्यकता बहुत होनी चाहिए, अपने को फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है चलो जी, तो मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं आगे 8 नंबर का, वह क्या है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो क्या लिखा हुआ होता है देखिएगा सर ए प्लस बी प्लस सी गुणा में होता है सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए और प्लस का 3abc, वास्तविक फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है सर ए प्लस बी प्लस सी गुणा में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए और प्लस का क्या सर 3abc। ठीक है, तो अब देखिएगा इनसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, कंडीशन दी हुई होती है, पहली कंडीशन दोनों देखिएगा दोनों में सेम कंडीशन है,
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, जीरो हो तो। देखिएगा इस फॉर्मूले में मैं यदि a प्लस बी प्लस सी के स्थान पर जीरो रखता हूं तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, और ये जीरो हुई तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा, और जीरो में यदि कोई भी नंबर ऐड करूंगा तो वही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की जगह जीरो रखा तो जीरो को इस पूरे पद से गुणा किया, जीरो आ गया, और जीरो में यदि मैं तीन एबीसी जोड़ूंगा तो ये मान आ जाएगा तीन एबीसी। ये तीन एबीसी मान किसके बराबर है, इसीलिए पहला प्रश्न बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है वह बराबर होता है सर किसके, तीन एबीसी के बराबर होता है। वह इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का तीन एबीसी बराबर में क्या होता है, जीरो होता है। जो क्या दो प्रश्न सामान्यतः बनते हैं जो एग्जाम में दृष्टि से कई बार फॉर्मूले के आधार पर पूछ लिया जाता है। क्या लिखा मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो फॉर्मूला होता है वह बराबर होता है सर किसके, ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर माइनस का बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए और प्लस में क्या होगा तीन ए बी सी। ठीक है, इन्हीं के आधार पर कंडीशन दी हुई होगी, क्या होगी कंडीशन, ए प्लस बी प्लस सी यदि जीरो के बराबर हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा वह बराबर होगा किसके सर, तीन ए बी सी के बराबर होगा, और आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस तीन एबीसी वह किसके बराबर होगा सर, जीरो के बराबर होगा। मैं एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, वो भी आपके कई जगह काम में आएगा, ठीक है, वो स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला लिख रहा हूं, और वह है मैंने लिखा सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जनरली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है वह क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का दो गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का दो गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये अपने विशेष नौ फॉर्मूले थे, इन्हीं नौ फॉर्मूले से संबंधित अपन आज प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो जी, अपन ने नौ फॉर्मूले पढ़े, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। दो नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का दो ए बी प्लस का क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। उसके बाद में तीन नंबर पर फॉर्मूला पढ़ा अपन ने सर ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए प्लस बी का होल क्यूब का पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा, ए क्यूब प्लस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर प्लस का क्या होगा, बी क्यूब होगा। ठीक है, चार नंबर फॉर्मूला क्या पढ़ा, ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, ए क्यूब माइनस का तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर और माइनस का क्या होगा, बी क्यूब होगा। ठीक है, इसके अलावा पांच नंबर का फॉर्मूला पढ़ा अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। उसके अलावा अपने छह नंबर का फॉर्मूला पढ़ा, वह क्या पढ़ा सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा, और आपका सर जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है सर, ए प्लस बी गुणा में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। और अपने उसके बाद में आठ नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था, सात नंबर का सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि सर ए माइनस बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। और अपन ने आठवां फॉर्मूला यह है पढ़ा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है सर किसके, ए प्लस बी प्लस सी गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए और प्लस में क्या होगा, तीन ए बी सी होगा। ठीक है, तो इनसे दो विशेष प्रश्न बन जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर हो तो, यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा वह बराबर होगा किसके, तीन ए बी सी के, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस तीन ए बी सी होगा वह किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। दो नंबर पर देखिएगा, मैंने फिर लास्ट में आपको नौ नंबर पर लिखवाया सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या लिखवाया सर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस में दो गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, बिल्कुल जी,
हाँ जी सोनू राहर जी, गुड इवनिंग सर जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, चलो, तो आपने, उम्मीद करता हूँ, फॉर्मूले आपके समझ में आ गए होंगे। देखिएगा, इन फॉर्मूलों को केवल आपको याद करना होगा। ठीक है, मैं केवल प्रश्नों के मेथड बता सकता हूँ कि इस प्रकार से प्रश्न आएंगे और अपने को करने कैसे हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा और प्रश्नों को भी साथ साथ में हल करते रहना जी। ठीक है, क्या होता है, पेपर में कुछ न्यूमेरिकल डाटा ही ऐसा आता है दशमलव के रूप में जिनको अपने को हल करना होता है। जैसे अपन बात करना चाहें तो देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल के बारे में बात करना चाह रहा हूं और वहां लिख रहा हूं सर 3.412 × 3.412, 3.412 × 3.412 प्लस में मैंने यहां पर क्या लिख दिया सर 2.588। ठीक है जी, गुणा में मैंने क्या लिख दिया 2.588 गुणा में 2.588, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है जी, बट्टे में संख्या देखिएगा 3.412 गुणा 3.412 माइनस 3.412 गुणा में यहां लिख देता हूं सर मैं 2.588 प्लस में सर 2.588 और गुणा में 2.588। इस प्रकार आपको बड़ी संख्या दी हुई होगी दशमलव के रूप में दी हुई होगी। ठीक है लोकेश महरिया जी, सर नेक्स्ट क्लास जो होगी वह जीके की होगी, जयपाल जी सर की होगी। ठीक है, जो आपको पॉलिटिकल वगैरह जीके के पोर्शन के बारे में आपको समझाएंगे और वह 9 बजे से क्लास होगी। ठीक है लोके जी, चलो जी, तो देखिएगा ये प्रश्न लिखा हुआ है 3.412 × 3.412 × 3.412 प्लस 2.588 × 2.588 × 2.588 बट्टे में क्या लिखा हुआ 3.412 × 3.412 माइनस 3.412 × 2.588 प्लस 2.588 × 2.588। ठीक है, तुषार जी शर्मा कह रहे हैं सर बड़े लिखिएगा। देखिएगा सर, चलो दिखाई नहीं दे रहा, मैं बड़े लिख देता हूं या नीचे लिख देता हूं प्रश्न को। ठीक है, 3.412 × 3.412 में 3.412 प्लस में 2.588 × 2.588 × 2.588। ठीक है, बट्टे में मैं यही मान वापस लिख देता हूं, इसी के आधार पर लिखता हूं। प्रश्न को समझिएगा आप, ठीक है ना, किस प्रकार से प्रश्न को करना है। और यहां लिखा मैंने 3.412 फिर माइनस 3.412 और गुणा में 2.588 प्लस में 2.588 गुणा में 2.588। अब देखिएगा प्रश्न में आपको क्या मेथड ध्यान में रख रहा है। ठीक है जी, तो सर जी शर्मा जी, इस बार आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, फिर भी यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो बिल्कुल आप मुझे कहते रहिएगा। ठीक है, आगे देखो सर, तो देखना सर यहां 3.412 × 3.412 × 3.412 सर पहले देखिएगा ये तीन संख्या एक साथ गुणा में लिखी है क्या, समान संख्या तीन बार लिखी हुई है, पहली संख्या तीन बार लिखी हुई है, दूसरी संख्या तीन बार लिखी हुई है। ठीक है, नीचे का प्रोसेस हमेशा उसी के आधार पर बनेगा, इसलिए आप इस प्रोसेस पर ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, यहां नीचे क्या लिखा हुआ है, इस प्रोसेस पर ध्यान ना दीजिएगा आप, ये देखिएगा पहली लिखी हुई संख्या कितनी बार लिखी हुई है, तीन बार लिखी हुई है, तो संख्या को ऐसा कैसा लिख दीजिएगा 3.412, और अगली संख्या तीन बार लिखी हुई है तो उस संख्या को लिख दीजिएगा 2.588। यदि बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस का रख देना, और यदि चिन्ह माइनस का है तो क्या रख देना, माइनस का रख देना। ठीक है, और यदि इन मानों को जोड़ेंगे तो इन मानों को जोड़ने पर प्राप्त जो मान आएगा वह मान कितना आएगा, 6 आएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह आंसर भी कितना होगा, 6 होगा। बिल्कुल जी, चेरी साहिवाल जी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, उत्कर्ष एजुकेशन जोधपुर से भी आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। सर सोनू राहर जी, बिल्कुल जी, आपका आंसर भी कितना अच्छा आया है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि संख्या तीन बार लिखी हुई है, अगली संख्या कितनी बार लिखी हुई है, तीन बार, तो दोनों में से एक एक संख्या उठाओ और यदि बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, और माइनस का चिन्ह है तो कैसा चिन्ह लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो, प्राप्त जो मान आएगा वह मान आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वह आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल जी, अब मैं आपको एक दो प्रश्न और देता हूं, देखता हूं मेरे को कौन बताता है सबसे पहले। ठीक है, किसी कैंडिडेट को प्रश्न किसी कारणवश दिखाई ना दे या कोई आपको यहां से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो जी आगे देखिएगा, मैं प्रश्न लिख रहा हूं यहां पर, प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिख दिया,
1.071, ठीक है, गुणा में 1.071 गुणा में 1.071 प्लस 3.929 गुणा में 3.929 गुणा में 3.929 और बट्टे में यदि मैं यहाँ पर मान लिख देता हूँ 1.071 गुणा 1.071 माइनस 1.071 गुणा में 3.929 प्लस में 3.929 गुणा में 3.929 का मान बताइए। देखता हूं सबसे पहले मेरे पास कौन से कैंडिडेट का आंसर आता है। ठीक है, मैंने संख्यात्मक मान लिखी है, दशमलव के रूप में एक श्रेणी लिखी है कि सर 1.071 गुणा में 1.071 गुणा में 1.071 प्लस में 3.929 प्लस में 3.929 गुणा में 3.929 गुणा में 3.922। बिल्कुल जी, दीपक कुमार जी कह रहे हैं सर 5 आएगा, इंदिरा जी कह रहे हैं 5 आएगा, वीरेंद्र कुमार जी 5, चेरी साहिवाल जी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया 5, सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, निपुजय जी आपको भी 5, राजेश कुमार जी मीना 4 आ रहे हैं, देखिएगा एक बार आप देखिएगा, नितेश शर्मा जी 5, उत्कर्ष एजुकेशन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी 5 आ रहा है, तुषार जी शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 आ रहा है। ठीक है ना, देखते हैं सर क्या करना है। ये पहली संख्या कितनी बार लिखी हुई है, 3 बार, तो लिख दीजिएगा 1.071। ठीक है जी, अगली संख्या कौन सी लिखी हुई है, सुप्रिया देवी जी कह रहे हैं 4992। सर 4.992 नहीं आएगा सुप्रिया देवी जी, एक बार आप जोड़िएगा, प्लस में मेरे को कितना जोड़ना है, 3.929 जोड़ना है, और इन मानों को जोड़ूंगा तो जोड़ने पर जो मान आएगा वह मान कितना आएगा, 5 आएगा, इसलिए इन कैंडिडेट का आंसर कितना होगा, 5 होगा। नीतीश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आंसर भी कितना है, 5 है। तो उम्मीद करता हूं आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर लोगे, क्यों, चलो जी। तो बिल्कुल जी, भास्कर जी आपका भी आंसर कितना है, 5 है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो मैं आपको एक दो प्रश्न और दे रहा हूं, देखता हूं इस बार मेरे को सबसे पहले कौन जवाब देता है। ठीक है जी, चलो मैं यहां कुछ मान लिख देता हूं, संख्यात्मक मान, देखिएगा यहां पर लिखा मैंने सर 2.814 गुणा 2.814 गुणा 2.814 माइनस 1.732 गुणा 1.732 गुणा 1.732, और यहां पर बट्टे में लिख देता हूं सर 2.814 गुणा 2.814 प्लस 2.814 गुणा 1.732 प्लस 1.732 गुणा में 1.732। ठीक है जी, कीजिएगा, देखता हूं सबसे पहले मेरे पास कौन से कैंडिडेट का आंसर आता है। वीरेंद्र कुमार जी बिल्कुल जी आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है, आप प्रश्नों को हल कीजिएगा, आप तक ये सारी क्लासें पहुंच जाएगी, नियमित रूप से सारी क्लासें आप तक पहुंच जाएगी। मैंने आपको लिए प्रश्न लिखा है सर 2.814 गुणा 2.814 गुणा 2.814, लोकेश जी मेहरिया कह रहे हैं 5 आएगा, ठीक है, राजेश कुमार जी मीणा कह रहे हैं 4.5 आएगा। लोकेश जी आप पहले वाले प्रश्न का जवाब दे रहे हो या इसका, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चेरी साहिवाल जी मैडम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, 1.082 बता रहे हो। इंदिरा जी या इंद्र सिंह जी जो भी हैं, आपका भी आंसर कितना आ रहा है, 1.082 आ रहा है। दीपक कुमार जी स्वामी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी आंसर 1.082। वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं 4.546। सर देखिएगा यहां पर इस बार माइनस का चिन्ह है, वीरेंद्र कुमार जी ध्यान दीजिएगा। तुषार जी शर्मा 1.082 बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू रहर जी देखिएगा 4.5 नहीं आएगा, जुड़ नहीं रहा है, इस बार चिन्ह कैसा है, बीच में माइनस है। दिलीप जी बिल्कुल जी 1.82 या 1.082 एक बार चेक कीजिएगा, दोनों में फर्क है दिलीप जी, 1.82 में और 1.082 में अंतर है। ठीक है जी, प्रियंका गोयल जी 1.082, ठीक है, निपेजे जी आपका है वो कितना है 4.5, देखिएगा 4.5 नहीं आएगा। उत्कर्ष एजुकेशन जोधपुर से भी, सॉरी उदयपुर से भी कितना आ रहा है आंसर, 1.082 आ रहा है। ठीक है भास्कर जी 1.82 है या 1.08 है। सुप्रिया देवी जी 1.08, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का आभार है कि आपने प्रश्न को हल किया, आप समझते जाइएगा। ठीक है, नितेश शर्मा जी बिल्कुल सर 1.082 आएगा, पहला मान लिखा हुआ 2.814 लिखा हुआ, फिर माइनस करना उसमें से 1.732 को, क्योंकि इस बार चिन्ह यहां पर कैसा लिया गया,
माइनस का चिन्ह, सर चार में से दो माइनस किया तो कितना आएगा, दो आएगा। इधर हासिल चली गई, ग्यारह में से तीन माइनस किया कितना आएगा, आठ आएगा, जीरो आएगा, दशमलव एक आएगा, इसलिए आंसर कितना आएगा, एक दशमलव जीरो आठ दो आएगा। इसलिए जिन कैंडिडेट का आंसर एक दशमलव जीरो आठ दो आया है उनका बिल्कुल सही है। लोके जी मेहरिया जी, आपका आंसर एक पॉइंट आठ नहीं होगा, ये आंसर होगा एक पॉइंट जीरो आठ दो होगा। ठीक है राहुल जी चौधरी, 9999 ये नहीं होगा। ठीक है जी नीतीश शर्मा जी, बिल्कुल जी नीतीश शर्मा जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, एक पॉइंट जीरो आठ दो। ठीक है मैंने आपके आंसर को गलत नहीं बताया है, आपका जो आंसर जिन कैंडिडेट का आंसर आया एक पॉइंट जीरो आठ दो वो उनका बिल्कुल सही है। राहुल चौधरी जी ये पांच चार पांच पांच जो भी आपने संख्या लिखी है ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है जी चलो आगे अपन बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं, देखता हूं इस बार मेरे को कौन बताता है। चलो जी लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में मैं आपको यहां पर दे रहा हूं 3.012 गुणा में 3.012 गुणा में 3.012 माइनस 2.541 गुणा में 2.541 गुणा में 2.541। ठीक है बट्टे में क्या आएगा, 3.012 गुणा में 3.012 प्लस में 3.012 गुणा में 2.541 प्लस में क्या है सर, 2.541 गुणा में 2.541 कीजिएगा। देखता हूं सबसे पहले मेरे पास किस कैंडिडेट का आंसर पहुंचता है। नितेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने प्रश्न लिखा सर 3.012 गुणा 3.012 गुणा 3.012, उसके बाद में मैंने माइनस लगाकर लिखा सर 2.541 गुणा 2.541 गुणा 2.541। ठीक है देखता हूं इस बार मेरे पास कौन से कैंडिडेट का आंसर पहुंचता है यहां पर, और बट्टे में लिखा हुआ 3.012। अभी तक मेरे पास किसी भी कैंडिडेट, बिल्कुल जी इंद्रा सिंह जी आपका आंसर आया 0.471। चेरी साहिवाल जी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी 0.471। राजेश कुमार जी मीना 0.471। ब्रिजेश कुमार जी बराम राम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है दीपक कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 0.471। तुषार जी शर्मा जो आपके आंसर है 471 नहीं आएगा सर, एक बार आप दशमलव भी देखिएगा, दशमलव भी आएगा। प्रियंका गोयल जी 0.471 आएगा। ठीक है जी बाकी सभी कैंडिडेट का, सोनू राहर जी 1.471 नहीं आएगा, एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है तुषार जी शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया आपको 0.471 आएगा। नीतीश जी शर्मा 0.471 आएगा। दिलीप जी बिल्कुल, भास्कर जी बिल्कुल, आपका सभी का सही। देखिए भास्कर जी 0 पॉइंट और दिलीप जी 1 पॉइंट बता रहे हैं, आप एक बार चेक कीजिएगा। वीरेंद्र कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया 0.471 आया। ठीक है ना आपका बहुत बहुत आभार, आपने प्रश्नों को हल किया, आप समझते रहिएगा। मैंने यहाँ क्या लिखा सर 3.012 लिख दीजिएगा, माइनस का चिन्ह माइनस 2.541 लिख दिया। ठीक है माइनस करता हूं, माइनस करता हूं तो दो में से एक माइनस किया तो कितना आया, एक आया। ठीक है यहां देखना 11 में से चार गया तो मेरे पास कितना बचेगा, सात बचेगा। 9 में से पांच गया चार बचेगा, पॉइंट जीरो, इसलिए आंसर कितना आएगा 0.471 आएगा। तो जिन कैंडिडेट का आंसर 0.471 है उनका आंसर बिल्कुल सही है, उनके अलावा जिन कैंडिडेट के आंसर 0.471 के अलावा आया है उन सभी कैंडिडेटों का प्रश्न का आंसर है वो सर क्या है, गलत है। ठीक है मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं, देखता हूं इस बार सबसे पहले मेरे को जवाब कौन देता है, क्योंकि इन प्रकार के प्रश्नों की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही अच्छे से प्रश्न को हल कर पाओगे, मैथ सब्जेक्ट ऐसी ही है। मैं यहां लिख देता हूं आपके पास 3821 गुणा में 3.821 माइनस में 3.821 गुणा में यहां लिख देता हूं 1.179। ठीक है गुणा में सॉरी प्लस में यहां लिख देता हूं 1.179 गुणा में 1.179। ठीक है जी बट्टे में क्या लिखता हूं 3.821 गुणा में 3.821 गुणा में 3.821 फिर प्लस 1.179 गुणा में 1.179 गुणा में 1.179। देखता हूं इस बार मेरे पास किस कैंडिडेट का आंसर पहुंचता है। नीतीश शर्मा कह रहे हैं सर ये तरीका बहुत सरल है और आसान भी, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नीतीश जी शर्मा जी आप प्रश्न को हल करते रहिएगा,
आपके पास प्रश्न में लिखा हुआ है 3.821 गुणा 3.821 माइनस 3.821 गुणा में क्या लिखा हुआ है सर, 1.179 प्लस 1.179 गुणा में 1.179 बट्टे में लिखा हुआ है 3.821। बिल्कुल जी, मेरे पास पहले आंसर पहुंचा है इंदिरा सिंह जी का जो आया है 2.642। ठीक है, राजेश कुमार जी मीना कह रहे हैं 2.642। चेरी साहिवाल जी मैडम आप कह रहे हैं कि 5 आएगा। सोनू राहर जी कह रहे हैं 2.642 आएगा। देखता हूं और कौन कौन से कैंडिडेट का आंसर मेरे पास यहां तक पहुंचे। बिल्कुल जी, निपे जी कह रहे हैं कि 2.642 आएगा। ब्रिजेश कुमार जी कह रहे हैं 5 आएगा। बाकी मेरे पास कैंडिडेट का आंसर नहीं पहुंचा है, बाकी कैंडिडेट भी प्रश्नों को जल्दी करते हैं। दीपक कुमार जी, स्वामी जी आपने आंसर बताया 2.642 बताया। इनके अलावा देखता हूं कौन कौन कैंडिडेट लाइव बैठे हैं। अभी तक मेरे पास किसी भी लाइव कैंडिडेट के इन 5-6 कैंडिडेटों के अलावा मेरे पास आंसर नहीं पहुंचा है। ठीक है, जल्दी से। हाँ जी, इंदिरा सिंह जी कह रहे हैं कि 5 आएगा। अच्छा, आपने आंसर चेंज कर दिया, चलो कोई बात नहीं। भास्कर जी कह रहे हैं 2.642 आएगा। ठीक है, इनके अलावा किसी भी कैंडिडेट का आंसर मेरे पास यहां तक नहीं पहुंचा है। देखिएगा, आपको एक बात बता देता हूं, जो लोग इंदिरा सिंह जी कह रहे हैं कि ये आएगा, लोकेश मेहरिया जी कह रहे हैं 4.9 आएगा, एक बात बता देता हूं, आपने जिसने भी किया है वो गलत किया है, क्योंकि आपने देखा नहीं है प्रश्न में क्या दिया हुआ है। इस बार प्रश्न को गौर से देखो क्या दिया हुआ है, मैंने प्रश्न को चेंज किया है। आप पहले ही मेथड पे चल रहे हो और आपने आंसर फेंक दिया। सर माइनस है प्लस के अकॉर्डिंग करने लग गए, माइनस है माइनस के अकॉर्डिंग करने लग गए। इसलिए जिन भी कैंडिडेट ने आंसर बताया है उन सभी कैंडिडेट का आंसर गलत है, केवल एक कैंडिडेट का आंसर मेरे पास अभी तक सही पहुंचा है और वो है प्रियंका गोयल जी। दीपक कुमार जी, सर क्वेश्चन चेंज है। बिल्कुल जी, क्वेश्चन चेंज है, पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में चेंज है। मेरे पास केवल एक कैंडिडेट का आंसर सही पहुंचा है यहां तक। प्रियंका जी, गोयल जी, थैंक्स मैडम, आपने प्रश्न को हल किया और आपका जो आंसर आया वह आंसर कितना आया, 1/5 आया। सर समझिएगा कैसे, इस बार जो मैं तीन तीन संख्या की बात कर रहा था ना, वो सर इस बार नीचे लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है। गौर से देखना, पहले वाले प्रश्नों में कहां लिखी हुई थी, ऊपर लिखी हुई थी, और यहां कहां लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है। इसलिए मैंने प्रश्न को चेंज किया। कई बार अपन यही गलती करते हैं, अपने को प्रश्न तो आता है लेकिन अपन देख नहीं पाते कि यह संख्या किस रूप में लिखी हुई है। ठीक है, तो सर इस बार जो आपकी तीन तीन संख्या थी वो कहां लिखी हुई थी, सर नीचे लिखी हुई थी। नीचे लिखी हुई होने का मतलब नीचे लिख दो 3.821 प्लस का चिन्ह तो प्लस से 1.179। नीचे लिखी हुई है तो ऊपर एक रख दो ना। अरे नीचे ही लिखी हुई है तो ऊपर कितना रख दो, एक रख दो। ठीक है, मान को जोड़िएगा तो ये कितना हो गया, एक, और नीचे वाले मान को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1/5 आएगा। तो प्रियंका जी, गोयल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जो आपका आंसर बिल्कुल सही आया है 1.5। बाकी कैंडिडेट ने प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा, आप उसी प्रश्न के आधार पर प्रश्न को कर रहे थे, इसलिए आपके प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दीपक कुमार जी आपने देखा होगा क्वेश्चन चेंज है, तो चेंज को थोड़ा सा आप प्रश्न को देखते रहिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, आप जल्दबाजी भी मत कीजिएगा कि प्रश्न में क्या लिखा है, क्या पूछा है, क्या जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न फिर कह रहे हैं कि 1.5 नहीं आएगा जी, 1/5 आएगा। बिल्कुल सुप्रिया देवी जी, 4.50 नहीं आएगा मैडम जी, आंसर कितना आएगा, 1.5 आएगा। ठीक है, नितेश जी शर्मा, हाँ जी बिल्कुल जी नितेश जी शर्मा, जो मैं पहले की प्रोसेस याद रखो, ये तीन तीन संख्या कहां लिखी हुई है, सर नीचे लिखी हुई है। इस बार कहां लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है। पहले कहां लिखी हुई थी, ऊपर लिखी हुई थी, तो ऊपर लिखी हुई होने के कारण मैं क्या करता था, ऊपर जोड़ देता, क्योंकि संख्या के नीचे एक होता है, क्योंकि मैं एक को प्रदर्शित नहीं करता था। क्यों प्रदर्शित नहीं करता था, क्योंकि सर किसी भी संख्या में यदि एक का भाग दिया जाता है ना, तो हमेशा वही संख्या आती है। ठीक है, हमेशा वही संख्या आती है, इसलिए किसी भी संख्या में एक का भाग दिया जाता है तो हमेशा वही संख्या आने के कारण उसे को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। लेकिन एक में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो उनका मान अलग आता है, इसलिए उन संख्या को प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक है जी, इंद्र जी कोई ना सर, अब ध्यान देंगे। बिल्कुल जी, दीपक कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जवाब, बिल्कुल जी। चेरी साहिवाल जी, मैडम जी देखिएगा, आपने भी गलत किया है, आपने भी आंसर मेरे को कितना बताया है, 5 बताया है, 5 नहीं होगा, कितना होगा, 1/5 होगा। तो उम्मीद करता हूं इस बार आप प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। मैं एक बार फिर आपको एक प्रश्न देता हूं, देखता हूं कौन सा कैंडिडेट मुझे आंसर सही बताता है। देखिएगा,
यहां पर मैं मान लिख देता हूं 2.437 गुणा में 2.437, फिर माइनस लगा देता हूं, सॉरी प्लस लगा देता हूं, 2.437 गुणा में 1.437 प्लस में 1.437 गुणा में 1.437 बट्टे में 2.437 गुणा में 2.437 गुणा में 2.437 फिर माइनस 2.437 फिर गुणा में सॉरी 1.437 गुणा में 1.437 गुणा में 1.437। देखता हूं इस बार मेरे को सबसे पहले आंसर कौन बताता है। सुप्रिया देवी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आंसर बिल्कुल 1/5 आएगा। इंदिरा सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ठीक है जी, आप आगे नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है उसको ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है वह क्या दिया हुआ है सर, 2.437, 2.437 ठीक है, और गुणा में 2.437 गुणा में 2.437 प्लस में फिर 1.437 फिर प्लस में 1.437 गुणा में फिर 1.437, इसी प्रकार से प्रश्न को दिया है। तो देखता हूँ इस बार मेरे को सबसे पहले चेरी साहिवाल जी, मैडम जी 1 बताया, प्रियंका गोयल जी आपको भी मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया, 1 ब्रिजेश कुमार जी 1, 3 कैंडिडेट का आंसर पहुंचा है। इंदिरा सिंह जी कह रहे हैं कि 0 ठीक है, इनके अलावा दिलीप जी कह रहे हैं 1/5। दिलीप जी जहांगीर जी इसका आंसर 1/5 नहीं आएगा सर। ठीक है, तुषार जी शर्मा 1.00 बहुत बहुत शुक्रिया आपको। दीपक कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी 1 आएगा। ठीक है, निविजय जी कुमार जी 1/1 का मतलब सर 1 ही होता है तो आंसर 1 ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही बता रहे हो। इस बार तीन तीन संख्या कहाँ लिखी हुई है, नीचे, और यहां पर तीन तीन संख्या कहाँ लिखी हुई है, नीचे, इसलिए ऊपर तो 1 लिख देंगे और नीचे सर 2.437 और माइनस 1.437 माइनस करूंगा तो नीचे वाला मान 1 आएगा। और 1/1 बराबर कितना होता है सर, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में आई होगी। मैं आपको एक प्रश्न और दे रहा हूं और देखता हूं इस बार मेरे को सबसे पहले आंसर कौन बताता है। दिलीप जी सर कोई बात नहीं, लोके जी मेहरिया 1.0 बहुत बहुत शुक्रिया, नीति जी शर्मा 1 आएगा। ठीक है, महेश कुमार जी 1 आएगा, भास्कर जी 1 आएगा। ठीक है, आगे देखो मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा और फिर प्रश्न को हल कीजिएगा। यहां मैं लिख रहा हूं सर 0.2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस में यहां लिख रहा हूं 0.5 का होल क्यूब प्लस में 0.3 का होल क्यूब माइनस का 3 गुणा 0.2 गुणा 0.5 गुणा 0.3 ठीक है, बट्टे में लिख रहा हूं 0.2 का स्क्वायर प्लस क्या लिखा सर 0.5 का स्क्वायर प्लस में क्या लिखा 0.3 का स्क्वायर माइनस में मैंने क्या लिखा सर 0.2 गुणा 0.5 माइनस में फिर मैंने क्या लिखा 0.5 गुणा 0.3 ठीक है, फिर माइनस में मैंने क्या लिखा कि सर 0.3 गुणा 0.2 का मान ज्ञात कीजिए। देखता हूं इस बार मेरे को सबसे पहले कौन बताता है। ब्रिजेश कुमार जी सर मैथ की देखिएगा, आपके आधार पर आप किसी भी पर्टिकुलर गाइड को पढ़ो, मैं पर्टिकुलर कोई भी गाइड इश्यू नहीं कर रहा, ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा, उस गाइडों में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, इंदिराज सिंह जी कह रहे हैं कि सर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, किन से संबंधित टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे आ रही होगी, ध्यान से सुनिएगा, आवाज आ रही है, मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा था इसलिए आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई, मैंने तो सोचा आप पहचान जाओगे मुझे मैं धीरे बोलूंगा तो। ठीक है, ध्यान से सुनो, आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है मेरी। इंदिरा सिंह जी हाँ नहीं आ रही, चलो आप चेक करो आ रही होगी। चेरी साहिवाल जी आप कह रहे हैं कि आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। पहला आंसर मेरे पास यहां तक कितना पहुंचा है, 1 पहुंचा है। मैं बाकी कैंडिडेट देखता हूं मेरे को सबसे पहले कौन आंसर बताता है। आपके पास प्रश्न जो लिखा हुआ था वह क्या लिखा हुआ था, 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब। हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आवाज आएगी, लेकिन आप ध्यान से सुनो आवाज को, मेरी आवाज को आप तक पहुंच जाएगी, लेट सही पर लेकिन जरूर पहुंचेगी। 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब माइनस का 3 गुणा 0.2 गुणा 0.5 गुणा 0.3। दीपक कुमार जी कह रहे हैं कि सर वीडियो रुक गया था, अब तो चल रहा है क्या? आप प्लीज आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, वीडियो चल रहा है ना, चल रहा है या रुका हुआ है, प्लीज आप मुझे बताइएगा दीपक कुमार जी। और जो कैंडिडेट चल रहा है तो आप इस प्रश्न को हल करते रहिएगा और मेरे तक आंसर पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। प्रश्न
क्वेश्चन मैंने लिखा है 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब माइनस में 3 गुणा 0.2। हाँ जी बिल्कुल जी चल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रश्न को हल कीजिएगा। मैंने लिखा 0.2 का होल क्यूब 0.5 का होल क्यूब प्लस में 0.3 का होल क्यूब माइनस में 3 गुणा 0.2। बिल्कुल जी दीपक कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। 3 गुणा 0.2 गुणा 0.5 गुणा 0.3 बट्टे में 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर और माइनस का 0.2 गुणा 0.5 माइनस 0.5 गुणा 0.3। बिल्कुल जी चेरी साहिवाल जी, सर वैसे मेरे ये फॉर्मूले ध्यान में नहीं आ रहे हैं, तो पता नहीं, हो सकता है एक हो आंसर। ठीक है चलो जी कोई बात नहीं मैडम जी, आप प्रश्न को देखिएगा समझते रहिएगा। ठीक है बिल्कुल जी, देखो एक बात ध्यान में रखो, मैंने आपको पिछले प्रश्नों में मैंने क्या कहा कि सर पावर 3 का मतलब क्या होता है, ये संख्या 3 बार लिखी हुई होनी। जैसे मैं आपसे सर यहां कहूं कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है सर, 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। कहने का मतलब संख्या 2 3 बार रिपीट होना, गुणा होना, क्योंकि कल एक नियम बताया था। क्या नियम बताया था कि यदि सर संख्याओं का आधार समान हो और संख्याएं गुणनफल के रूप में लिखी गई हो तो उनकी घातें होती है ना, वह घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। ब्रिजेश कुमार जी आंसर मेरे को कितना बता रहे हो, 2 बता रहे हो। ठीक है जी देखना, तो 2 की पावर 3 बराबर होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब आधार समान होता है, संख्या गुणनफल के रूप में लिखी हुई होती है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। इसलिए देखना पहली संख्या भी कितनी बार लिखी हुई है, 3 बार लिखी हुई है। दूसरी संख्या भी कितनी बार लिखी हुई है, 3 बार लिखी हुई है। तीसरी संख्या भी कितनी बार लिखी हुई है, 3 बार। वही नियम सर, 3 बार लिखी हुई है तो संख्या को लिख दो, अगली संख्या 3 बार लिखी हुई है उसी संख्या को, अगली संख्या 3 बार लिखी हुई है उसी संख्या को लिख दो। अरे संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह, तो यहां पर भी प्लस का चिन्ह लगा दो और इन संख्याओं को जोड़कर देखिएगा आंसर आएगा, वह आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए चेरी साहिवाल जी मैडम आपने जो भी किया है बिल्कुल आंसर 1 सही आया है। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वह आंसर कितना आएगा सर, 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.3 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। अपन इसी का सरलीकरण का सिंप्लीफिकेशन का दूसरे पार्ट में कल चर्चा करेंगे, एनी टॉपिक से संबंधित, एनी फॉर्मूले के आगे से संबंधित, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और सरलीकरण में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल की तरफ से राजस्थान एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इसी प्रकार कल इसी टाइम 8 बजे फिर इसी क्लास में सरलीकरण के साथ मिलेंगे। सर धन्यवाद।